कि मैंने एक नया YouTube चैनल बर्ड्स लीग चैरिटी के नाम से क्रिएट किया। आज की वीडियो के अंदर चार आपसे मैं जो है चीजें शेयर करूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा है एग विदाउट योक, यानी अंडा उबला हुआ जर्दी के बगैर, लीमू लेमन। अच्छा, आप शायद ये पहली दफा सुन रहे हो, मैं गर्मियों के से पहले के मैं इस वीडियो का आगाज करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने एक नया YouTube चैनल बर्ड्स लीग चैरिटी के नाम से क्रिएट किया है, जहां पे इंशाल्लाह जो हमारी BLC की वीडियोस हैं वहां पे अब इंशाल्लाह अपलोड हुआ करेंगी। इस चैनल पे मैंने पहले कुछ अपलोड की, लेकिन कुछ YouTube की टर्म्स एंड पॉलिसीज की वजह से वो कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट थी, तो मुझे उसके लिए एक नया चैनल क्रिएट करना पड़ा। तो आप सबसे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल पर लाजमी जाएं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको जाके सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और एक मोटिवेशन भी मिलेगी और एक नेकी करने का जज्बा मैं चाहता हूं कि लोगों में एक आगे इसे फैले मज़ीद। जैसे मुझे बाकी चीज़ों में लोग फॉलो करते हैं, यानी कि गोल्डियंस के बारे में रखना सिखाया, सारा कुछ ईच एंड एवरी थिंग आपको शुरू से सिखाया, अब मैं चाहता हूँ कि इस नेकी के काम में भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा जाए। और उसी के लिए इंशाल्लाह BLC का जो आगाज़ किया था उसकी मंजिल की तरफ रवा दवा है। तो आप भी हमारे उस सफ़र का हिस्सा बने, इंशाल्लाह आप इंजॉय भी करेंगे उसे और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत से दोस्त उससे इंस्पिरेशन लेके इस नेकी के काम में आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि आपको समर के अंदर एटलीस्ट किसी भी किस्म का कोई मसले मसाइल अल्लाह के हुक्म से फेस नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो के अंदर चार आपसे मैं जो है चीज़ें शेयर करूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा है बर्ड का सीड मिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मियों के अंदर। सेकंड नंबर पे उसका सॉफ्ट फूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बर्ड की डाइट है, बेसिक डाइट है। थर्ड नंबर पे वाटर में क्या सप्लीमेंट हमने उसको देना है। चौथे नंबर पर बात करूँगा टेम्परेचर और वेंटिलेशन पर। ये मुख्तसर सी वीडियो है और आपने पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपको मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपको कोई भी किसी भी किस्म का समर के अंदर इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, अगर आप इनको एज इट इज़ फॉलो करते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहली एहतियात, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज भी बड़ा ज़बरदस्त मौसम है और रात भी ठीक ठाक तूफ़ान आया है, बारिश हुई है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पहले तो आप अवल के जार यूज़ करें, जिनके जो लिड्स हैं, जो ढक्कन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल टाइट कवर हो जाने चाहिए, एयर टाइट। ठीक है, ये आप देखें, जब ये प्रेस करते हैं हम तो ये एयर टाइट हो जाते हैं। अब इनके अंदर ना मॉइस्चर जा सकता है, ना नमी जा सकती है और ना ही पानी जा सकता है, तो आपका जो सीड मिक्स है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये समर के अंदर आपको सबसे पहली एहतियात बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपके सीड मिक्स की रेशो के ऊपर मैं एंड में चार्ट आपको शो कर देता हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है कि आपके सीड मिक्स के अंदर किसी भी किस्म का जाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जाल से मुराद कि किसी भी किस्म का उसके अंदर आपको ऐसे, क्योंकि बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मियों के अंदर स्पेशली, तो अगर आपके सीड्स के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का अगर जाल या कोई इस टाइप की कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, तो वो सबसे पहला बीमारियों का गढ़ बनेगा आपके बर्ड्स के लिए, और आपके बर्ड्स जो हैं जब दाना खाएंगे वही बैक्टीरिया वही फंगस उनके बॉडी में जाएगा और वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट करेगा, जो कि बर्ड को मौत के करीब ले जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि आपने अपने जो सीड मिक्स का जो जार है उसको एयर टाइट रखना है, और स्पेशली इन रेनी डेज के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि किसी भी किस्म का मॉइस्चर ना जाए जिसके बायस फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और वो आपके बर्ड के लिए बीमारियों का बायस बनेगा। जी, सेकंड नंबर पे जैसे कि मैं अपनी पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि आपने जो बर्ड का सीड पॉट है और जो ड्रिंकर है वो इस तरह से रखना है कि उसके अंदर आपके जो दाना है उसके अंदर किसी भी किस्म का पानी ना जाए। ठीक है, अब बर्ड यहाँ पे देखें, ड्रिंकर क्योंकि नीचे लगा है, अगर इधर थोड़ा सा चूंच मार के नहाने की अगर कोशिश भी करता है तो वो प्रॉपर नहा नहीं सकता, और हमारे जो सीड्स हैं वो बिल्कुल ड्राई रहते हैं, किसी भी किस्म का इनके अंदर जो पानी है वो जाने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा जी, आपको मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आप बर्ड को चाहते हैं कि हमारा बर्ड नहाए, अब देखें जैसे ये कुछ गोल्डियंस के पीसेज हैं और ये इस वक्त अभी जो है मोल्ट पे हैं, तो इनका इस टाइम पे नहाना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इससे एक तो मोल्ट जल्दी क्लियर होता है, बर्ड्स का स्ट्रेस रिड्यूस होता है,
और चूंकि गर्मियां भी हैं तो बर्ड का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है, तो ये बाथ टब्स, ठीक है, बाथ टब्स आपने यूज करने हैं। कैसे लगते हैं एक मिनट आपको अभी लगा के मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे एक मैंने बाथ टब इंस्टॉल की है और अब इसके अंदर बेशक बर्ड यहाँ पे देखें, इसके नीचे बिल्कुल हमने दाने का बर्तन लगाया है, लेकिन इसके अंदर जो पानी जाने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि बर्ड इधर आता है सेंटर में यहाँ पे पानी के अंदर नहा के फिर वहाँ बाहर निकल के उधर से केज में चला जाता है। तो दूसरी एहतियात मैंने आपको बताई कि आपने बर्ड का जो सीड मिक्स है जो केज में लगा है उसको आपने पानी से बचाना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने उसको ड्रॉपिंग से भी बचाना है। ड्रॉपिंग से बचाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि आपका जो दाने का पॉट है, जो सीड पॉट है, उसके ऊपर किसी भी किस्म की स्टिक नहीं होनी चाहिए। आप अब यहाँ पे देखें कि जो भी हमारे दाने के बर्तन हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई स्टिक नहीं मौजूद, और स्टिक्स जो है हमारी पीछे से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी चांसेस नहीं है और हमारा जो सीड है वो बिल्कुल क्लीन है, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ड्रॉपिंग आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद नहीं है। मैंने सीड मिक्स का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको चार चीज़ें अभी बताई, जिनमें से अभी एक पेंडिंग है, वो है सीड मिक्स का चार्ट, जो कि मैं वीडियो के एंड के अंदर जो है वो शेयर कर दूंगा। फिलहाल मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, उनको आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो सीड मिक्स का जार है वो एयर टाइट होना चाहिए, किसी भी किस्म का उसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए और उसके अंदर किसी भी किस्म की बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। सेकंड, मैंने आपको बताया कि सीड मिक्स जो है वो आपका पानी से बिल्कुल दूर होना चाहिए। पानी का जो बर्तन है और सीड मिक्स का बर्तन है उनके दरमियान में जो गैप है वो इतना होना चाहिए कि अगर आप खुले बर्तन में भी पानी यूज करें, बर्ड उसमें नहाता है तो उसकी रसाई दाने के बर्तन तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ड्रिंकर यूज करते हैं तो आपने बाथिंग टब लाजमी इस्तेमाल करने हैं। गर्मियां हैं, बर्ड मोल्ट पे होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं और नहाने से बर्ड के मोल्ट में भी उनको काफी मदद मिलती है। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया कि सीड मिक्स के जो बर्तन है उनको आपने ड्रॉपिंग से बचाना है। ड्रॉपिंग से बचाने का जो सबसे बेहतरीन हल है, आपने जो बर्तन है उनके ऊपर डंडियां नहीं लगानी, स्टिक जो है वो आपने जरा पीछे करके लगानी है बर्तनों से, ताकि उनके अंदर किसी भी किस्म की ड्रॉपिंग ना आए। सीड मिक्स का जो हमारी टॉपिक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब रेशो रह गई है। मैंने आपको तीन अहम चीजें बता दी, रेशो में एंड में शेयर कर रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉफ्ट फूड की जानिब। जी, सेकंड हमारा जो टॉपिक है कि सब्जियाँ गर्मियों में यूज करनी चाहिए या नहीं। देखें, छोटी सी एक मेरी बात सुन रहे हैं, सॉफ्ट फूड के अंदर एग विदाउट योक यानी अंडा उबला हुआ जर्दी के बगैर, क्रश्ड वेजिटेबल्स, तमाम सब्जियाँ आप यूज कर सकते हैं जो सीजनल है, एक्सेप्ट चिली यानी सब्ज मिर्च और शिमला मिर्च और लाल मिर्च साबित। इनके अलावा आप जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो यूज कर सकते हैं। आप हर तरह की सब्जी यूज कर सकते हैं और आपके ये बर्ड को बेनिफिट देंगी, याद रखिएगा नुकसान कभी नहीं देंगी, क्योंकि एक नेचुरल सोर्स है। और ग्रीन्स के अंदर अगर बात की जाए तो ग्रीन्स में भी आप जितने भी लीव्स वाले सब्जियां हो गई, पालक हो गई, धनिया, पुदीना, जिनकी तासीर आपने पता कर लेनी है ठंडी है, वो आप इसी वेजिटेबल्स के अंदर कंबाइन करके बर्ड को दे सकते हैं। क्या बहुत से दोस्त ये इंतहाई एक कह सकते हैं गलत फहमी का शिकार होते हैं कि सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो ब्रेड और रस्क का जो है डालने से यीस्ट यानी कि बैक्टीरिया फैलता है। ये इंतहाई फजूल और गलत बात है। मैं पिछले 4 साल से गोल्डियन को रस्क के अंदर सॉफ्ट फूड बना के दे रहा हूँ और आज तक मेरे पास किसी भी किस्म का ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। तो इस मामले में आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना। आपने जितना सॉफ्ट फूड को ड्राई रखेंगे, ड्राई होता ही इन्हीं दो चीजों से, या रस्क से या ब्रेड से। ब्रेड मैंने आज तक यूज नहीं की, आज तक नहीं की, और तो उसके ऊपर मैं कोई बात कर नहीं सकता। रस्क का जो मैं पाउडर है वो बना के रख लेता हूँ। मेरी एक वीडियो सॉफ्ट फूड के ऊपर जो मैंने गोल्डियन पर बनाई थी, जो फेसबुक पर बड़ी वायरल गई थी, 65,000 उस पर व्यूज थे उस वक्त, तो अभी पता नहीं कितने हैं, 12, तो लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक किया है। तकरीबन जो गोल्डियन कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसने उसको अप्रिशिएट किया और उसको फॉलो किया और लोगों को बड़ा पसंद आया। बड़ा इकोनॉमिकल सा और बड़ा अच्छा बर्ड के लिए वो सॉफ्ट फूड मैंने बनाया था और आज तक लोग उसे फॉलो करते आ रहे हैं और मैं भी उसी को ही फॉलो करता आ रहा हूँ, और वो मेरा एक समझें कि आजमाया हुआ सॉफ्ट फूड है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं सॉफ्ट फूड के अंदर, यानी बेसिकली अगर हम एग फूड रहें तो एग फूड के अंदर मैं सब्जियाँ कंबाइन नहीं करता। मैं वेजिटेबल्स के मैंने वीक के अंदर डेज बनाए होते हैं। मैं अगर 3 दिन
एग फूड दे रहा हूँ तो मैं 3 दिन सब्जियां देता हूँ। सब्जियां क्रश होनी चाहिए, प्रॉपर चॉप्ड होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक मोती की तरह, और उनमें पानी नहीं होना चाहिए। और एग ब्रेड की ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने बर्ड को सॉफ्ट फूड के अंदर क्या देना है, कैसे देना है और कब कब देना है। आप जब गर्मियां ज्यादा तेजी से आ जाए, अब जैसे आगे हफ्ते वाले दिन शुरू हो जाते हैं, तो आप बर्ड का जो सॉफ्ट फूड है वो कम कर दें, क्योंकि उस दिनों में जो ह्यूमिडिटी है वो इतनी ज्यादा ओवर राइज कर जाती है कि बैक्टीरिया बनने के एक सही सॉफ्ट फूड जो ड्राई सॉफ्ट फूड है उसमें भी चांसेस हो जाते हैं। तो आप वीक में 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे बारिशें भी चल रही हैं और अच्छा मौसम है, बाहर ठंडा है, तो आप बर्ड को एटलीस्ट वीक के अंदर 5 या 6 दिन सॉफ्ट फूड दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सॉफ्ट फूड से बर्ड की हेल्थ सबसे ज्यादा बनती है। हमारा ये जो टोटल एग फूड का और सॉफ्ट फूड का टॉपिक था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ कि हमने पानी के अंदर क्या सप्लीमेंटेशन यूज करनी है। जी, तो हमारे लास्ट 2 पॉइंट वीडियो के जो रह गए थे उनको मुकम्मल करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख के ये परेशान हो गए होंगे कि मैंने एकदम से लुक अपनी कैसे चेंज कर लिया। दरअसल वीडियो के दरमियान में मुझे जाना पड़ गया, एक जगह ज़रूरी कॉल आ गई, तो जल्दी मैं बस वो मैं अपने बार्बर को बताने ही भूल गया कि कैसे दाढ़ी वगैरह सेट करनी है, तो उसने डायरेक्ट ही मशीन लगा दी। तो बड़ा अफसोस के साथ अब ये बकाया जो पार्ट है वीडियो का ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हमारा जो वाटर में सप्लीमेंटेशन थी मैं आपको वो बता देता हूँ, और लास्ट में हमारे टेम्परेचर और वेंटिलेशन उसको कवर कर लेते हैं। जी, तो ये 4 चीज़ें अब आपको जो दिखा रहा हूँ उस वक्त अपने कैमरे में, अगर आपकी बर्ड रूम के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं तो इंशाल्लाह आपकी गर्मियाँ बहुत अच्छे से गुजर जाएंगी। इसके अंदर सबसे पहले और जो मेन चीज़ है वो है हमारे साइमंस के विटामिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्ट है, बहुत से लोग इख्तलाफ करते हैं और करते रहेंगे और करते रहें, उनके करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 95% इस वक्त जो मेजोरिटी है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यूज़ करती है बर्ड फार्मिंग में, क्योंकि ये इकोनॉमिकल होते हैं और इनके ऊपर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं मिक्स यूज़ करता हूँ, कुछ एवियन प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और कुछ पोल्ट्री करता हूँ। अब ये क्योंकि मेरी मजबूरी बन चुका है और इसका रिज़ल्ट मुझे पिछले सालों से इतना ज़बरदस्त मिल रहा है कि मैं अब इसे हर साल अपने पास रिपीट करता हूँ और पिछले 4 सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, एक आते हैं सिर्फ विटामिंस, साइमंस के ही होते हैं वो, तो आपने वो नहीं यूज़ करने, ये विटामिंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। बर्ड को गर्मियों के अंदर विटामिंस देना थोड़े से जो है उनके लिए परेशानी का बायस बनता है, लेकिन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर मल्टीपर्पज़ हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स भी एट द सेम टाइम बर्ड को मिल रहे होते हैं और विटामिंस भी मिल रहे होते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है जी, ये आप गर्मियों के अंदर वीक में 2 से 3 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करें। जब शदीद गर्मी हो तो आप सारा हफ्ता भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। सेकंड नंबर पे जी हमारे पास आ जाता है विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, स्पेशली जब रेनी डेज हों गर्मियों के अंदर तो आपने लाजमी यूज़ करना है। कोई बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ हो रही है बर्ड की अंदर भी हो रही है तो वहाँ पर भी ये इसको पूरे तरीके से उसको कवर करेगा। थर्ड नंबर पर आ जाता है जी ये एवियन प्रोडक्ट है, एवी फॉर्म का कैल्सी फॉर्म है और कैल्शियम है ये बड़ा बहुत ही यानी अच्छा और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ कैल्शियम है, और स्पेशली जब बर्ड्स मोल्ट पे होते हैं उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, तो आपने कैल्सी फॉर्म या कोई भी कैल्शियम का सोर्स गर्मियों में लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, विटामिंस जो मल्टी विटामिंस हैं आपने कोशिश करने हैं सिर्फ वो यूज़ नहीं करने, क्योंकि ज़रा गर्म होते हैं बर्ड को अक्सर पेट की शिकायत आ जाती हैं, लूज़ मोशंस वगैरह हो जाते हैं। तो ये जो साइमंस की प्रोडक्ट है विटामिंस एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर दोनों चीज़ें एट अ टाइम आ रही हैं, तो ये बर्ड को जहाँ पे विटामिंस की नीड पूरी कर रहा होता है वहाँ पे उसके अंदरूनी मामलात को ठंडा भी कर रहा होता है। ठीक है, उसका जो जिगर है उसको ठंडक दे रहा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हाईली रिकमेंडेड जी। अच्छा, लास्ट जो हमारी चीज़ है जी वो है हमारा लीमू, लेमन। अच्छा, आप शायद ये पहली दफ़ा सुन रहे हो, मैं गर्मियों के अंदर वीक में 1 दिन ऐसा पानी देता हूँ बर्ड्स को जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इनको पानी के अंदर नुचड़ा हुआ लीमू देता हूँ। लीमू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको अगर ख़ुद बताऊँगा तो शायद आप उनके ऊपर
इतना बिलीव ना करें, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप गूगल पे जाएं, इसको सर्च करें, देखें इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो इंशाल्लाह आप भी इसको आइंदा से गर्मियों के अंदर अपने बर्ड को लाजमी देंगे। अगर मैं ये सारी चीज़ें इस वक्त साइड पे कर दूं और सिर्फ मैं गर्मियों के अंदर पानी में ये लीमू ही मिला के दूँ ना, तो मेरे बर्ड्स को मैं दावे से कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशली गोल्डियंस को कलरफुल बर्ड है, ज़्यादा नीड होती है, तो ये चीज़ें जो हैं यूज़ कराना भी साथ में कंपलसरी है। तो जी लास्ट में अब जो हमारे आ जाता है टेम्परेचर और वेंटिलेशन, तो देखें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रूम में मेरा एग्जॉस्ट ऑन है, साथ में मैं ये छत वाला एक फ़ैन यूज़ करता हूँ। यहाँ पे दरवाजे से जो है वो कूलर लग जाता है और विंडोज़ जो हैं वो हमारी ये दो साइड्स वाली बंद हो जाती हैं और ये दो खुली रहती हैं, साथ में एग्जॉस्ट चलता है, तो क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ से दरवाजे से बाहर को जाती है। तो मेरा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है रूम के अंदर। और आप भी कोशिश करें बस बर्ड्स को जितना हो सकता है हेल्दी इन्वायरमेंट दें। अच्छा, कोशिश करें कि टेम्परेचर और वेंटिलेशन आप दोनों एट अ सेम टाइम जो है वो कंट्रोल करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तो बर्ड आपका अपने कम्फर्ट जोन में चला जाता है, वो स्ट्रेस उसका काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर यह कि जहाँ पर हम वेंटिलेशन को यकीनी बनाते हैं, तो कोई भी किसी भी किस्म की बीमारियाँ हमारे शेड के करीब भी नहीं आती, कोई भी जमनी हवा के अंदर मौजूद जरासीम भी वेंटिलेशन की वजह से वो साथ ही साथ किल होते रहते हैं। तो ये जी छोटी सी टिप्स हैं, इन्हें आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मजीद कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी जो है क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।